सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल को, दबाइए बेल आइकन घंटे को नए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैं खुशी आप सभी का रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी वीडियो ट्रिकी होती है, जिसमें हम जीएस के पार्ट को ट्रिकी मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आज हमारी अकबर के दरबार में नवरत्नों पर आधारित हमारी ट्रिक है कि अकबर के दरबार में कौन कौन से वो नवरत्न थे, उनको हम कैसे याद करेंगे। तो उन्हीं पे ये हमारी ट्रिक है। और हमारी ट्रिक है कि तान मान वीर फौजी हटी रहीम फजल मुल्ला। तो ये हमारी आज की ट्रिक है, और इसी ट्रिक से हम अकबर के नवरत्नों को याद करेंगे। उनको दो तीन बार हम सुनेंगे और हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं अपनी ट्रिक को। तो हमारी वीर फौजी हटी रहीम फजल मुल्ला, तो देखिए इसको भी हमें याद करने की कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सारा रटने से अच्छा है। तो हमें एक ही लाइन याद, तान मान वीर फौजी हटी रहीम फजल मुल्ला, इतना ही याद करना पड़ेगा। तो तान से क्या होगा, ये हमारे हो जाएंगे नवरत्नों में से एक जिनका नाम था तान सेन, ये नवरत्नों में से एक थे। और मान मतलब मान सिंह हो जाएंगे, मान सिंह ये हमारे मान सिंह हो जाएंगे। और नंबर तीन क्या वीर हो गए, तो ये हो जाएंगे वीरबल, ये हो गए वीरबल। और फौजी मतलब हो जाएंगे ये फैजी हो गए। और हाँ मतलब क्या हो जाएंगे, ये हकीम हुकाम, यहाँ मतलब हकी हुकाम हो जाएंगे। टो से हो जाएंगे टोडरमल, ये हो जाएंगे हमारे टोडरमल। और रहीम मतलब हो जाएंगे अब्दुल रहीम खाना, ये हमारे हो जाएंगे। और फजल मतलब क्या हो जाएंगे, अबुल, ये हो जाएंगे अबुल फजल। और लास्ट में हमारा जो मुल्ला दो प्याजा। तो देखिए नवरत्नों को हमने कितने अच्छे से कंप्लीट कर लिया कि जो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे वो थे तान सेन थे, और ये मान सिंह, बीरबल, फौजी और हकीम हुकाम, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, और अबुल फजल और मुल्ला दो प्याजा। ये जो नौ थे, ये नौ लोग थे, ये अकबर के दरबार के ये नौ रत्न थे, ये अच्छे मतलब उनके कार्यकर्ता थे, ऐसे कह लीजिए इनके अच्छे, ये अच्छे और वफादार कार्यकर्ता थे। इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में भी जानेंगे। तो ये अकबर एक अनपढ़ शासक था, ये जो अकबर था ये एक अनपढ़ शासक था, एक अनपढ़ शासक देखिए एक अनपढ़ होने और अकबर नामा तथा आईने आईने ए अकबरी
अबुल फजल ने लिखी थी। ये जो दो पुस्तकें थी, ये जो मतलब दो पुस्तकें थी, अकबरनामा और आईने ए अकबरी, जो दो ये पुस्तकें थी वो अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि अकबर मतलब अकबर के दरबार के नौरतों में से एक थे। उन्होंने ये दो बुकें लिखी थी। और दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था, और इस धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था। जो देखिए, इस धर्म को अपनाने वाला पहला मतलब प्रथम और अंतिम जो हिंदू था वो बीरबल था। और बीरबल का जो बचपन का नाम था वो था महेश दास। जो बीरबल का है वो बचपन का जो नाम था वो महेश दास था। तो कभी यहाँ से देखिए, तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि अकबर जी दीन ए इलाही धर्म करने वाला हिंदू कौन था, तो बीरबल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महेश दास किसका नाम था, तो वो बीरबल का था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो वो महेश दास था। तो ऐसे क्वेश्चन मैथ्स यूट्यूब चैनल को दबाइए बेल आइकन घंटे को नए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो जो टोडरमल मतलब जो टोडरमल थे वो राजस्व मंत्री मतलब उनके राज्य के मंत्री थे, और जो मान सिंह थे वो सेनापति थे, वो सेनापति थे और अच्छे मतलब योद्धा भी थे। और अकबर ने ही जो मतलब अकबर ने अपने शासनकाल में रामायण को और महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था उसने फारसी भाषा में। और संगीत, और एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो वो कहाँ पे हुआ था, वो ग्वालियर में हुआ था। तानसेन मतलब का जन्म कहाँ हुआ था, वो ग्वालियर में हुआ था। इसीलिए मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश में सरकार संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देती है, वो देती है मतलब तानसेन पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार देती है उस पुरस्कार को तानसेन पुरस्कार कहा जाता है। और इसने, और एक बात बताऊँ मैं, ये रामायण और महाभारत को इसने क्यों उसमें मतलब फारसी में ट्रांसलेट करवाया था, क्योंकि अकबर की एक रानी जो जोधा थी वो हिंदू रानी थी। आप सभी को पता होगा वो आमेर की राजकुमारी थी, और उन्होंने आमेर को बचाने के लिए उन्होंने अकबर से निकाह किया था। ये फिर किसी वीडियो में बताऊँगी इनकी स्टोरी क्या। देखते हैं अपनी एक और ट्रिक, और जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता पर निर्धारित, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से वाकिफ़ थे, किन किन चीज़ों को जानते थे, तो उन्हीं के बारे में हमारी ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। देर न करके, राइटिंग थोड़ा कम सही होती है, फिर भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, और चीज़ें तो क्लियर हो ही रही होंगी। तो हमारी ये ट्रिक है, सोच तो सीटी बजा। कहीं भी हम देखिए, अगर कोई सीटी बजाता है तो उसके बगल वाला, उसके साथ में जो उसका दोस्त होता है, उसका फ्रेंड होता है, तो एक बार उसको सचेत जरूर करता है कि सोच ले पहले भाई, फिर सीटी बजाना, बाद में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसी पे आज हमारी ये ट्रिक है कि सोच तो सीटी बजा। तो इसमें हमें क्या, देखिए ये इतना हमें सोच तो सीटी, इससे हमें नहीं, ये नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सोच मतलब ये सो मतलब सोना, सोना से ये लोग वाकिफ थे, सोना जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। चा से चांदी, तो मतलब ये हो गया तांबा, तांबा। सी मतलब शीशा, और टी मतलब टीन। इन चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता के लोग वाकिफ थे, इन चीज़ों को जानते थे, इन चीज़ों को यूज़ भी करते थे वो। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये सारी चीज़ें याद कर लिया। ऐसे तो हम सोना चांदी तांबा सीसा टीन याद करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर हम ट्रिक से याद करते तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती, ज़्यादा समय तक भूलते नहीं है। तो सोच तो सीटी बजा, सो मतलब सोना, चा मतलब चांदी, ता मतलब तांबा, और सी मतलब सीसा, टी मतलब टीन। तो आप लोगों को मज़ा आया, अच्छी लगी ट्रिक, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगली नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मज़े से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन घंटे को नया वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।